ट्रैवल बुक्स की मेरी रोचक दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाँ तो भाई, मौसम तो और भी खुशगवार हो गया है, बादल इतने छा गए हैं, धूप भी उतर गई है और मन तो ये कर रहा है कि किसी सफ़र पर निकल लिया जाए, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी मजबूरी है तो सफ़र की किताबों पर बात कर रहा हूँ। आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ कुछ और दिलचस्प किताबें और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने पसंदीदा लेखक राहुल सांप्रत्यायन से। दरअसल राहुल सांप्रत्यायन का नाम हम यात्राओं के प्रेमियों और यात्रा लेखकों के लिए एक मशाल की तरह है, मसीहा है वो हम ट्रेवल राइटर्स के। उनकी दुनिया को खंगालना, उनकी किताबों के ज़रिए उनको जानना और उनकी यात्राओं की फितरत को समझना अगर हमने सीख लिया तो मेरे ख्याल से आधा काम हो गया हम यात्रा लेखकों का। तो चलते हैं आज उन्हीं की दुनिया में। आज मौसम कुछ खुशगवार है और मैं अपनी बालकनी में आकर बैठ गई हूँ ताकि इस हवा का, ये जो हल्की हल्की मानसूनी हवा है, इसका आनंद लेते हुए आपके साथ बात करूँ। तो शुरुआत कर रही हूँ यात्रा के पन्ने। ये किताब की आप हालत देख रहे हैं, 1955 में ये किताब छपी थी और राहुल सांप्रत्यायन की इस किताब के जो जर्द पन्ने हैं ना, अब बिल्कुल पापड़ की तरह हो गए हैं। अगर मैं इन्हें मोड़ूं तो ये बिल्कुल टूटने के कगार पर हैं। फटते नहीं, अब ये टूटते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि इस किताब का मूल्य 1955 में मात्र 10 रुपया था और मेरी बहुत पसंदीदा किताबों में से है। मैं बिल्कुल अपने घर में ऐसे रखती हूँ जैसे गीता रखी जाती है, लेकिन जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं इसका एक लेटेस्ट वर्जन आया, यही किताब का लेटेस्ट वर्जन, ये 2007 में आया और यहाँ मैं इस किताब को पढ़ती हूँ क्योंकि कमोबेश इसको संभालना बहुत आसान हो जाता है। और इस किताब का मूल्य जब 2007 में ये आई तो इसका मूल्य बढ़कर हो गया 200 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये जो मूल्य वृद्धि है किताब की, वो इन्फ्लेशन का भी एक हमें संकेत दे जाती है। तो किताब शुरू होती है, ये राहुल सांप्रत्यायन पटना में है और बीमार पड़ गए हैं टाइफाइड से, मरते मरते बचे हैं वो लिख रहे हैं, और फिर वहाँ से वो नेपाल गए। तो लिख रहे हैं कि कैसे मैंने छपरा से ट्रेन पकड़ी और मैं नेपाल के लिए रवाना हुआ। तो पढ़कर मुझे तो बड़ी उम्मीद जगी, मैंने कहा एक वक्त ऐसा भी होता था हिंदुस्तान से हम ट्रेन पकड़कर और अपने पड़ोसी मुल्कों में चले जाया करते थे, लेकिन फिर देखा कि उस वक्त भी दिक्कतें थी बॉर्डर पार करने की, अपने कुछ सीमाएं थी, कुछ चैलेंजेस थे। तो वो लिख रहे हैं कि इस समय एक तरफा राहदारी की व्यवस्था है, एक तरफा राहदारी मतलब एक तरफा पासपोर्ट कंट्रोल है। अगर आप नेपाल से भारत आ रहे हैं तो पासपोर्ट की कोई जाँच नहीं होती, पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। तो ये है यात्रा के पन्ने राहुल सांप्रत्यायन की, जिसमें ऐसी कई पुरानी यात्राओं का, उस दौर के जीवन का जिक्र है। लगभग 1930-35 में ये यात्रा हुई थी और उसका यहाँ जिक्र है। इसके बाद में अगली अपनी एक रोचक पुस्तक है, ये है चलते तो अच्छा था। इस किताब के नाम ने मुझे दीवाना बना दिया था, इस शीर्षक ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया था। दरअसल 2 बरस पहले जब मैं ईरान की यात्रा पर थी तो मुझे मेरी एक दोस्त ने इस किताब का नाम सजेस्ट किया, असगर वजाहत साहब की है और उन्होंने जब ईरान की यात्रा की, लगभग 2008-09 के आसपास ये यात्रा है, तो मैं भी कुछ कुछ उनके नक्शे कदम पर चली और मुझे हैरानी ज़रा भी नहीं हुई कि असगर वजाहत साहब जो लिख रहे थे 2008-09 की अपनी उस पुरानी यात्रा में, वही जब मैंने 2019 में यात्रा की तो भी ईरानी समाज लगभग वैसा ही था। मैं आपको एक छोटा सा अंश पढ़ के दिखाती हूँ कि क्यों हमें यात्राएं करनी चाहिए दूसरे समाजों को जानने के लिए। वो लिख रहे हैं कि ईरान की औरतों के बारे में लिख रहे हैं, हिजाब में जो रहती हैं, हिजाब की पाबंदियाँ हैं वहाँ इस्लामी क्रांति के बाद से। तो उन्होंने लिखा, चेहरे पर जितना शानदार मेकअप आपको तेहरान में देखने को मिलेगा उतना संभवतः दिल्ली या मुंबई में भी नहीं मिलेगा। लड़कियां बहुत प्यार से, ध्यान से, कोशिश से ढेर सारा पैसा खर्च करके अपने चेहरों को सजाती और संवारती हैं। शायद उन्हें लगता होगा कि शरीर का यही तो एक हिस्सा खुला है, इस पर ही ध्यान दे सकते हैं। इसी तरह पैरों का मेकअप भी देखने लायक होता है।
तो बाद में लिख रहे हैं कि कैसे वो टाइट जीन्स के ऊपर अपना बुरका नुमा कुछ भी लबादा कुछ भी ओढ़ लेती हैं, लेकिन वो बहुत टाइट होती है और कभी कभी ऐसा लगता है उन औरतों को देखकर कि हिजाब करने के धार्मिक कानूनों को शायद वो ठेंगा दिखाती हैं। तो ये चलते तो अच्छा था, ईरान यात्रा पर है असगर वजाहत साहब की, और ईरान के बाद वो लैंड क्रॉसिंग करके, लैंड बॉर्डर पार करके अजरबैजान सेंट्रल एशिया में एंटर कर जाते हैं। उस यात्रा का एक अच्छा सा जिक्र है, मैंने अपनी ईरान यात्रा के दौरान इस किताब को पढ़ा था और लगभग समाज बिल्कुल वैसा ही पाया था 2019। और किताबों की अपनी दुनिया की एक अगली प्यारी पुस्तक लेकर मैं आई हूँ आज, मोहनजोदड़ो। इस किताब के टाइटल ने मुझे बहुत हैरान किया था, आकर्षित भी किया था, और ये है जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी साहब की लिखी हुई किताब। मुझे हैरान इसलिए किया था कि मोहनजोदड़ो कैसे है, मैं तो अपनी इतिहास की किताबों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये नाम पढ़ते हुए बड़ी हुई थी। पता चला कि जब वो गए और उन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना रीजन तक वो गए और वहाँ उन्होंने जाना कि असल जो प्रोनंसिएशन है वो मोहन जोदड़ो है, मुआ मने मृत और दड़ा मने टीला, तो मोहन जोदड़ो हुआ मुर्दों का टीला। तो इस किताब से सबसे पहले तो हमारा उच्चारण दुरुस्त होता है और उसके बाद हम इस सभ्यता, पुरानी सभ्यता को जानते हैं। और सबसे अच्छी बात ओम थानवी साहब ये लिखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खूबी ये है कि आज भी उसकी गलियों में हम घूम सकते हैं। तो इन किताबों के ज़रिए हमें पता चलता है कि वो जो सभ्यताएं जो हमारे हिसाब से इतिहास की किताबों में नष्ट हो चुकी हैं या बंद हो चुकी हैं, आज भी वहाँ किस तरह से जाया जा सकता है और उस दौर को देखा जा सकता है। इस किताब की एक और खूबी ये है, वाणी प्रकाशन से ये आई है और 100 रुपया मात्र मूल्य है इसका। अच्छा, अगर आप यात्रा लेखन पढ़ना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ें। इसकी एक खूबी है कि भाषा ऐसे भागती है ना, इसमें जो रवानी है आप एक या दो सीटिंग में इसको पूरा पढ़ जाएंगे और फिर पूरा पढ़ने के बाद बार बार इस तक लौटेंगे। जैसे मैं पिछले 10 सालों से अपने संग्रह की इस किताब को शायद 3 दफ़े पढ़ चुकी हूँ और अब आज फिर हाथ आ गई है तो ललचा रही हूँ कि फिर पढ़ लिया जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये है मोरक्को के बहुत बड़े घुमक्कड़ इब्न बतूता, इब्न बतूता की भारत यात्रा या 14वीं शताब्दी का भारत। मोरक्को से जब अफ्रीका और चीन और इतने सारे देशों तक से घूमते हुए इब्न बतूता भारत पहुँचे थे तो यहाँ तुगलक वंश का शासन था उस समय। उस वक्त का उन्होंने एक लेखा जोखा अपनी किताब के ज़रिए हम तक पहुंचाया है। ये बेसिकली अरबिक में लिखी हुई किताब थी इब्न बतूता की। बहुत अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, कुछ नामों की गलतियां हैं, कुछ और भी उसमें त्रुटियां हैं, तो या इतिहास लेखन नहीं है। ऑफकोर्स एक ट्रैवल राइटर अपना जो कुछ देखता है उसे ऑब्जर्व करता है, वो इतिहासकार नहीं होता, उसके पास इतिहास लेखन के वैसे टूल्स भी नहीं होते, लेकिन हमें उस वक्त को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। इब्न बतूता की अरबिक में मूल रूप से लिखी गई किताब है जिसका फिर आगे चलकर जर्मन में और फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू वगैरह में अनुवाद हुआ और फिर 1933 में इसका अनुवाद हिंदी में हुआ। ये NBT ने रिप्रिंट की है वही 1933 वाली किताब हिंदी में है। मैंने अपनी इस वीडियो में ये एक निर्णय किया है कि मैं सिर्फ हिंदी की ट्रैवल बुक्स पर बात नहीं करूँगी, मैं अपनी कुछ ऐसी बुक्स की भी बात करूँगी जो दूसरी भाषाओं में लिखी गई हैं। जैसे ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई है और पिको अय्यर साहब की किताब है फॉलिंग ऑफ द मैप। मुझे मेरी एक दोस्त ने ये गिफ्ट किया था बहुत प्रेम से मेरे जन्मदिन पर और उनका एक बहुत प्यारा सा संदेश यहाँ पर है, लिखा है सम रीडिंग फॉर मोर ट्रैवल। कितने अच्छे दोस्त होते हैं ना जो ट्रैवल बुक्स भेंट करते हैं और इतना प्यारा संदेश देते हैं। तो ये किताब है फॉलिंग ऑफ द मैप, इसमें कुछ सम लोनली प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। पिको अय्यर साहब वर्ल्ड ट्रैवलर हैं और दुनिया भर में घूमते हैं। इस किताब के ज़रिए उन्होंने हमारे साथ अपनी कुछ बहुत ही खास यात्राओं का अनुभव बांटा है, जैसे कि वो मैं आपको बता देती हूँ क्विकली कहाँ कहाँ गए हैं। इसमें है नॉर्थ कोरिया और अर्जेंटीना, क्यूबा, आइसलैंड, भूटान, वियतनाम, पेरागुए और ऑस्ट्रेलिया। इतनी खूबसूरत जर्नीज इसमें है और जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी ही दुर्लभ भी हैं, रेयर जर्नीज की इसमें चर्चा है। तो अगर आपको यात्रा लेखन अच्छा चाहिए तो पिको अय्यर साहब को ज़रूर ज़रूर अपने कलेक्शन में शामिल करें। पेंगुइन बुक्स की तरफ से किताब आई है, मूल्य इसका 250 रुपये है। और अब आ जाते हैं हम अपनी आज की आखिरी किताब पर।
मेरे इस ट्रैवल सेक्शन में हमेशा सिर्फ फिक्शन या नॉन फिक्शन पर मैं नहीं सीमित रहूँगी, मैं दोनों तरह की बातें करूँगी। ये एक फिक्शन है, होम टू इटली उपन्यास है ये, और आप सोचेंगे कि मैंने उपन्यास को क्यों शामिल किया। वो इसलिए शामिल किया क्योंकि यात्राओं की पृष्ठभूमि में लिखी गई ये किताब है। ये किताब सेट हुई है इटली के एक अब्रूजो रीजन में। वहाँ की जो वॉर्मथ है, वहाँ की जो गर्मजोशी है ज़िंदगी की, वहाँ का खान पान, वहाँ की क्यूलिनरी ट्रेडिशन और वहाँ के समाज का एक पूरा ब्यौरा हमें दिखा दिया। ये होम टू इटली पीटर पेज़ली की। तो आज की यात्रा पुस्तकों की बातें ख़त्म हुई। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और किताबों के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, चैनल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं।